नमस्कार, हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल होम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा। देखिए, आपको कुल मिला के इसमें तीन तीन कितना एक्सरसाइज पढ़ना है। इसमें आपको टोटल अगर देखा जाए तो 10.2 10 चार एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको चार एक्सरसाइज पढ़ना है 10.4 तक। इसमें ये चैप्टर है बहुत आसान, आप पहले से भी कुछ न कुछ जानते हैं वेक्टर के बारे में, जो कि जो बच्चे फिजिक्स लिए हुए हैं, जो बच्चे नहीं लिए हुए हैं, जो फिजिक्स नहीं लिए होंगे बायो लिए होंगे, तो जो बायो लिए होंगे वो मैथ नहीं लिए होंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो आप फिजिक्स में कुछ न कुछ जानते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन हम इसमें मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज़ है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या जो वेक्टर का यूज़ है, डिफरेंस क्या है दोनों में, आपको सीखने को मिलेगा और हम ज़रूर सिखाएंगे, और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी वेक्टर में। आइए तो शुरू करते हैं वेक्टर। जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए तो वेक्टर की अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि वेक्टर में एक वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अगर हम इस तरह से एक लाइन खींच दें इसमें, मान लीजिए ये, तो ये ना वेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ लाइन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें हम एक एरो का साइन लगा देते हैं, ये वेक्टर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ए और इसका अंतिम पॉइंट, ये जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहलाता है, ये फाइनल पॉइंट कहलाता है, और ये जो एरो की लंबाई होती है, ठीक ना, ये जो एरो की लंबाई होती है यही होता है वेक्टर का परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो ये लंबाई है, यहाँ से अगर उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर छोटा सा इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा वेक्टर हो यहाँ पे, मान लीजिए CD, ठीक है। ये वेक्टर और इस वेक्टर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, दोनों वेक्टर का दिशा तो समान है लेकिन परिमाण अलग अलग होता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है और जिस वेक्टर की लंबाई ज़्यादा होगी, ये चीज़, वो इसका परिमाण ज़्यादा होगा, इसकी लंबाई छोटी है तो इसका परिमाण कम होगा। मान लीजिए एक छोटा सा वेक्टर और है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए PQ, तो ये जो लंबाई है छोटी कम है की तुलना में। तो अगर हम बात करें कि वेक्टर AB, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, ये चीज़, आप स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, इसको वेक्टर बी कर सकते हैं, और इसको वेक्टर सी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए भी लिखना थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर में कर दिया जाता है। CD लिखने से बेहतर है आप इसको कोई स्मॉल वेक्टर भी कर दीजिए, और वेक्टर PQ लिखने से बेहतर है, ठीक है, ऊपर एरो का चिन्ह लगा देते हैं, इसको वेक्टर सी कर देते हैं। तो वेक्टर ABC में अगर आप तुलना करें, आप पाएंगे तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। एरो का जो है ये चीज़ बताता है दिशा, और ठीक है, और ये जो लंबाई है ये वेक्टर का परिमाण बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, और पूछा जाए कि तीनों में क्या अंतर है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि तीनों सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग वेक्टर हैं। वेक्टर में जो सदिश की खास बात क्या है, देखिए, सदिश राशि, सदिश यानी कि जो वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी चीज़ है लेकिन आप नया चीज़ कुछ सीखने को मिलेगा। परिमाण, ठीक है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड प्लस दिशा, ये चीज़। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसमें दिशा तीनों की सेम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें तीनों वेक्टर की दिशा सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होने की वजह से ये वेक्टर ए नॉट तीनों वेक्टर अलग अलग हैं, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। खास बात क्या है कि इसमें अगर हम बात करें, और जो मैग्नीट्यूड को होता है उसको इस तरह से दिखाते हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को इस तरह से, ठीक है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को मॉड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है,
ठीक है, वेक्टर शीट किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये चीज मॉड, यानी कि ये जो लंबाई है इसको मॉड ए मॉड बी मॉड सी, क्लियर है। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद सब कुछ सही आ रहा तो आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। काफ़ी दिन से इंटीग्रेशन चल रहा था, ठीक ना, अवकलन समाकलन काफ़ी दिन से चल रहा था, तो आप भी परेशान हो गए थे और हम भी, मतलब एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते ना हो जाता है। चलिए, तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कोई मतलब है नहीं। चीज़ें कहाँ से ओरिजिनेट हुई, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर का बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, वेक्टर का वैसे बहुत ज़्यादा यूज है पूरे साइंस में, पूरे विज्ञान में वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। और आप देखते हैं ना कहीं पे आप कहीं जाते हैं, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो ऐसे एरो का चिन्ह लगा रहता है, एरो से आप पकड़ लेते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, ठीक है, मैथमेटिक्स एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। आइए कुछ कुछ चीज़ें हम और करते हैं, जिसमें मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए अगर हमें इसी वेक्टर का माइनस ए निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इसका जो डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देंगे तो ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का ऋणात्मक वेक्टर आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, शून्य। अब हम जो है इसके बारे में अब क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसी बड़ी चीज़ नहीं थी। आइए हम सीधे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है और किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाता है, तो एक्सरसाइज 10.1 हमारा यही सब कुछ है, ठीक है। तो आइए वेक्टर के प्रकार हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे 6 प्रकार के वेक्टर के बारे में पढ़ना है और आपके सिलेबस में है, हालांकि वेक्टर और भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो उतना हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जितनी चीज़ें हमें पढ़नी है हम उतना ही पढ़ेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्वेश्चन आए, सवाल लग जाए बोर्ड एग्जाम में, यही हमारी इच्छा है और आपका भी यही होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा PhD करने की आवश्यकता नहीं है। शून्य सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, कह सकते हैं उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसका परिमाण, ठीक है, परिमाण क्या हो, शून्य हो, परिमाण क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर कहलाता है। जैसे हम बात करें, अगर ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर हमारा ए है, इसका परिमाण शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही नहीं है। थोड़ा सा और छोटा करिए, ठीक है, ये हुआ वेक्टर बी कर लीजिए, अभी भी इनिशियल पॉइंट, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए, यानी कि सिकुड़ते सिकुड़ते जो फाइनल पॉइंट है यहीं पर आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य वेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि शून्य वेक्टर का, और शून्य वेक्टर का डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं हो सकता है, चाहे चीज डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा। तो ये बहुत नई चीज़ नहीं थी, समझ में आ गया। चलिए, शून्य वेक्टर आपके बुक में दिया हुआ है लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है। मात्रक सदिश क्या आया था, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, सपोज करिए कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ये चीज़ तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। बहुत ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका हम अभी हम देखेंगे कि कैसे परिमाण निकाला जाता है, एक दिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन कोई भी ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण 1 है तो क्या कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा भैया, मात्रक सदिश। इंग्लिश में याद रखिएगा यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक वेक्टर दे देगा, पूछेगा कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालिए, मात्रक सदिश निकालिए, क्लियर है। चलिए, तो इस पर स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट है, सह आदिम वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हों। जैसे हम बात करें, यहाँ से एक वेक्टर ये हुआ, ठीक है, और यहीं से वेक्टर एक बी हुआ ओरिजिनेट, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, भले फाइनल पॉइंट जो है अलग अलग है, तो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस जानकारी होना चाहिए ये सब क्या है, वेक्टर सी क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर, सह आदिम वेक्टर, ठीक है, यानी कि
फाइनल क्या हो, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप डिफिनेशन में देख सकते हैं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो हमारे ये समझ आ गया, बहुत बड़ी चीज थी क्या ये, नहीं। संरेख सदिश ये इंपॉर्टेंट है, को लीनियर और को इनिशियल में अंतर है। इसी में को इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल से देखिए शब्द जो पकड़िए, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, और को लीनियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए को लीनियर वेक्टर क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा, दोनों में अंतर है, इसी में बच्चे हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं, को इनिशियल और को लीनियर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए संरेख सदिश ऐसे वेक्टर है, ठीक है, दो या दो से अधिक वेक्टर जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, मान लीजिए वेक्टर ए है, परिमाण अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन पैरेलल हो, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर हमारा ये क्या है, वेक्टर बी है, तो अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो क्या कहलाते हैं ये भैया, को लीनियर, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। देखिए जो वेक्टर ए है पैरेलल है वेक्टर बी के, तो क्या कहलाएगा, कोलीनियर, ठीक है। परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, दिशा भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोलीनियर वेक्टर यहाँ पे क्या चीज़ है, पैरेलल होना चाहिए, दो या दो से अधिक वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हों तो संरेख सदिश कहलाते हैं, ठीक है। डिफिनीशन भी दिया हुआ है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में तो समझने ही आते हैं ना यहाँ, ठीक है। तो वेक्टर ए, और अगर मान लीजिए ए वेक्टर यहाँ पे इस तरह से है, वेक्टर ए और वेक्टर मान लीजिए एक वेक्टर बी इधर है, ठीक है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल नहीं है, ये वेक्टर जो है हमारा कोलिनियर वेक्टर यानी कि संरेख सदिश नहीं होगा, समझ में आ गया। अब आता है आपका पांचवा, समान सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समान सदिश। अच्छा ये बताइए ये वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए और ये जो है उसका माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, तो वेक्टर ए और उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे ये बताइए, एक कौन सा वेक्टर है, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, हमको पैरेलल होने से मतलब है, ये वेक्टर इसके पैरेलल है, भले ही इसका डायरेक्शन अलग हो तो क्या इसे नहीं मतलब है, पैरेलल होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, खास बात यह है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्या कहलाते हैं, संरेख कोलिनियर कहलाएंगे। समान सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समान सदिश इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, फटाफट देख लीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि इस चारों एक्सरसाइज हमें बहुत अच्छे से समझ में आए तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, छोटी छोटी ही चीज़ें से आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। समान सदिश क्या होता है, दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका परिमाण, ठीक है, परिमाण तो समान हो ही, परिमाण समान हो प्लस दिशा भी समान हो, दिशा भी समान हो, आपके डिफरेंट दोनों चीज़ समान होना चाहिए, ठीक है। परिमाण समान हो, दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साथ में डायरेक्शन में, जैसे हम बात करें कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, इधर है, और देखिए अगर ये वेक्टर थोड़ा सा उसी दिशा में हम बढ़ा दें वेक्टर बी कर दें, ठीक है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन दिशा तो समान है, चलिए ये चीज़ सही है, लेकिन परिमाण, यहाँ वेक्टर ए की जो लंबाई है इसका मैग्नीट्यूड इसका परिमाण बताता है, क्लियर, और इस वेक्टर की ये जो लंबाई है इसका परिमाण, तो दोनों की लंबाई अलग अलग होने की वजह से परिमाण अलग अलग हो गया है, यानी वेक्टर ए का जो परिमाण है वो बराबर नहीं है वेक्टर बी के, ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ समान होना चाहिए, ठीक है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए सेम, ठीक है, तो वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, समझ में आया। समान वेक्टर क्या है, अब देखिए समान वेक्टर ये है कि वेक्टर ए इधर हुआ और उतना ही कोई मान लीजिए वेक्टर बी हुआ, ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए की जो लंबाई है वेक्टर बी की लंबाई के बराबर है और साथ में दोनों की दिशा भी क्या है, बराबर है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है वेक्टर बी के, ये जो दो लाइन खींच दे रहा है ना ये वेक्टर की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है,
परिमाण को बताता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिमाण समान है, साथ में दिशा भी सेम है, इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है। समझ में आ गया? यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल है। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग अभी बता रहे हैं, देखिएगा। अभी तुरंत सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये समान वेक्टर है कि नहीं, बताइएगा। देखिएगा, तुरंत देखिए, छोटी चीजें हैं लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, और उसी दिशा में एक मान लीजिए वेक्टर बी है, लेकिन उसी दिशा में नहीं, नेगेटिव दिशा। वेक्टर ए और वेक्टर बी समान है कि नहीं, ये कौन से वेक्टर हैं, बताइए। चलिए फटाफट बताइए। तो ये वेक्टर जो है समान वेक्टर नहीं है, हालांकि दोनों की लंबाई, जो एरो की लंबाई है ये और ये, तो समान है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड समान है, देखिए। यानी वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो बराबर है वेक्टर बी के, ठीक है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरा भी होना चाहिए। लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा अलग अलग है, देखिए दिशा क्या है, अलग अलग है। दिशा यानी कि डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो परिमाण तो समान हो गया, लेकिन दिशा अलग अलग होने की वजह से ये दोनों वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी के समान नहीं है, इक्वल वेक्टर नहीं है। समझ में आया? चलिए, इतना नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इंटरेस्टिंग है। छोटा ऐसा सेशन होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ही आज होगा, और एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज 10.1 भी करेंगे, ठीक है। ऋणात्मक वेक्टर, चलिए आखिरी वेक्टर हो गया। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये और ये तीन वेक्टर, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। किसी वेक्टर का ऋणात्मक वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई, चले बताइए। तो अगर आपको कोई वेक्टर दिया है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, मान लीजिए वेक्टर ए है, हम बोल दें कि इस वेक्टर का ऋणात्मक वेक्टर बताइए, तो तुरंत उसका मुंह घुमा दीजिए, जिस डायरेक्शन में हो उसको नेगेटिव कर दीजिए, ये जो है वेक्टर ए का ऋणात्मक वेक्टर आ जाएगा। यानी किसी वेक्टर का अगर हमको ऋणात्मक वेक्टर निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा जस्ट अपोजिट हो, यानी कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो, ठीक है। जैसे एक तीर घाट हो तो एक मीर घाट हो, तुम डाल तो मैं पाद, इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। एकदम अपोजिट, विपरीत विचारधारा वाले, एक ही घर के दो लोगों में उनकी सोच, हालांकि एक ही घर के दो लोगों में क्या हो सकता है, दोनों की सोच में एकदम डिफरेंस होता है, एकदम अंतर होता है, ठीक है। तो दोनों लोग तो परिमाण समान है, एक ही घर के हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है, यानी कि एक इधर सोच रहा है तो एक इधर सोच रहा है। तो ये हमारे वेक्टर जो हैं क्या हैं, ऋणात्मक हैं, एक दूसरे के, कहते हैं ना कि ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, ऐसे घर में बोले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो वही चीज़ है कि दिशा एकदम ठीक विपरीत हो, 180 डिग्री के कोण पे हो, एक इधर है एक इधर है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक वेक्टर कहलाते हैं। किसी वेक्टर के ऋणात्मक वेक्टर अगर निकालना है तो बस उसके बगल में माइनस लगा दीजिए, क्लियर हुआ। तो ये वह टाइप्स ऑफ वेक्टर। और आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम डिस्कस करते हैं, बोलते हैं पोजिशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजिशन वेक्टर हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश, ये हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए, स्थिति सदिश क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यहाँ पे आएगा। कोई भी वेक्टर जो कि ओरिजिन के सापेक्ष, यानी कि ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है, अगर 3D की बात करें, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक नया जेड एक्सिस आ जाता है, तो कोई भी वेक्टर, कोई भी बिंदु, मान लीजिए एक पॉइंट पी है जिसका निर्देशांक एक्स है, कॉमा वाई है, कॉमा जेड है, ठीक है। अगर इस बिंदु P का निशांक x, y, z है, तो इसका मतलब है कि आप x एक्सिस पे x डिस्टेंस चले हैं, y एक्सिस पे y डिस्टेंस चले हैं, और z एक्सिस पे z डिस्टेंस चले हैं। ये पॉइंट P भले यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, लेकिन ये स्पेस में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसको ओरिजिन से हम यहाँ पे इस बिंदु को मिला दें, ठीक है,
ये हमारा एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। ये जो ओरिजिन होगा इस वेक्टर ओपी, ठीक है, जो वेक्टर ओपी है इसको नाम दिया जाता है वेक्टर ए आर, ठीक है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही जो है यही कहलाता है वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, स्थिति सदिश। कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन के सापेक्ष जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स आई, ठीक है, वाई इंटू जे कैफ, जेड इंटू के कैफ, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए जो वेक्टर आर है। अब आप सभी को आप दिमाग में आएगा आई क्या है, जे क्या है, के क्या है, तो आई जे के कैफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ये जो आई जैसे लिख दिया जाए इसका मतलब है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वन होना चाहिए। उसी तरह से जो वेक्टर वेक्टर जे है यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड वन है। बस आई लग जाने से ये होता है कि ये जो है बताता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। आई जे के कैप लगने से ये पता चलता है बस, और चूंकि इसका मैग्नीट्यूड वन है तो इस पूरे वेक्टर में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होगी पोजिशन वेक्टर की बात होगा, ठीक है। अगर हम वेक्टर ओपी के मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, जो वेक्टर ओपी जो मैग्नीट्यूड है ये अभी सब कुछ हम सिखाएंगे, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब भी डिस्कस करना है, अभी किसी वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ओरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वेक्टर का जो पोजिशन अगर हम निर्धारित करें वही वेक्टर कहलाता है पोजिशन वेक्टर, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 4, यहाँ पे 7। अगर ये मूल बिंदु के सापेक्ष पॉइंट P जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आप 2 यूनिट चल रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप क्या चल रहे हैं 4 यूनिट, और जेड एक्सिस पे 7 यूनिट। अगर इसको हमको वेक्टर के रूप में लिखना हो, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर आर, तो वेक्टर आर के रूप में लिखना हो तो ये चीज़ हो जाएगा 2 इंटू आई कैप, ठीक है, 4 इंटू जे कैप और 7 इंटू के कैप, ये चीज़ हुआ। तो स्थिति इस बिंदु पी को ओरिजिन के सापेक्ष अगर हम वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वेक्टर फॉर्म से पॉइंट और पॉइंट से वेक्टर फॉर्म में भी आना चाहिए, समझ में आ गया, कोई नई चीज़ सीखने को जरूर मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, और भी चीज़ें बहुत हैं, और एक चीज़ और खास बात है कि किसी वेक्टर का जो परिमाण है मान लीजिए ये, वो मिनिमम 0 हो सकता है, सॉरी 0 या 0 से बड़ा होगा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण 0 हो सकता है, ठीक है, उसकी लंबाई, लेकिन कभी भी किसी वेक्टर का परिमाण नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक एक पॉइंट हो गया है, किसी वेक्टर का जो परिमाण है हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 किसका होता है, शून्य वेक्टर का परिमाण 0 होता है, उसके अलावा दुनिया में कोई वेक्टर हो उसका परिमाण हमेशा 0 से बड़ा होगा, समझ में आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आइए। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और हमें डिस्कस करना है काफ़ी डिटेल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको कुछ समझ में चीज़ें आई होंगी। अब हम देखिए एक्सरसाइज 10.1 और 10.2, 10.1 में कुछ वैसा है नहीं, डिस्कस कर देंगे। अब दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, दो वेक्टर को कैसे घटाया जाता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, दिक कोजिया जिसको बोलते हैं, अभी कई नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप आपका ये थोड़ा सा, क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है, बहुत लोगों के घरों में छठ पूजा का भी आयोजन होता है घर पे, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप 20-25 मिनट निकाल के पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा लेट में सेशन रखते हैं 8 बजे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही,
कल हम मिलते हैं, आप एक्सरसाइज 10.1 भी सॉल्व करेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। तो आज एक बहुत बेसिक चीज़ हुआ, मतलब इतना पता चल गया कि वेक्टर चैप्टर शुरू हो गया है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से सभी बच्चों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, यही हम सबकी कामना है। पूरी शुभम क्लासेस की टीम की तरफ से हमारी यही सोच है, यही हम सभी चाहेंगे कि आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल और सुनहरा हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।